भाई जब भी मैं डार्लिंग प्रवास के ऊपर कोई भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो सलार के लिए हो, चाहे वो आदि पुरुष के लिए हो, या फिर प्रोजेक्ट के लिए हो, या फिर वो प्रभास मारुति वाला फिल्म के लिए हो, तो उसमें एक कमेंट ज़रूर आता है, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स ज़रूर आते हैं कि स्पिरिट मूवी के बारे में भाई आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या स्पिरिट मूवी को आप भूल गए हो। सच बोलूँ तो यार, वहाँ पर एक भाई का रिप्ले जो था वो मुझे अच्छा लगा कि स्पिरिट मूवी को जो है मैं नहीं भूला हूँ, मतलब कमल भाई नहीं भूले हैं, मेकर्स भूल गए हैं। सच बात है यार, वो जो भाई कमेंट किए हैं ना, वो सच बात है कि मेकर्स भूल गए हैं। शायद उसके ऊपर अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। कोई नया अपडेट नहीं है भाई, देखिए कोई नया अपडेट नहीं है स्पिरिट मूवी के ऊपर। जो पहले था बस उतना ही है कि स्पिरिट मूवी में एक पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले हैं डार्लिंग प्रभास, और उसके बाद एक और न्यूज आया था कि स्पिरिट मूवी में करीना कपूर भी दिखेंगे एक अहम भूमिका में। ऐसा नहीं कहा गया था कि प्रभास सर के अपोजिट वो नज़र आएंगे, मतलब एक्ट्रेस हीरोइन बन के आएंगे, ऐसा नहीं बोला गया था, एक अहम भूमिका में वो नज़र आएंगे। अहम भूमिका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मूवी उनकी इर्द गिर्द घूम सकती है, वो खलनायिका भी हो सकती है, मतलब विलेन भी हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी हो सकती हैं जो स्टोरी उनको उनके ऊपर बांध के रहती है, जो कि मतलब ये सत्यराज जो होते हैं, हमारे जगपति बाबू जो होते हैं, प्रकाश सर जैसे, प्रकाश राज जो होते हैं, ये लोग जैसे, मतलब इन लोगों का किरदार जो होता है ना मूवी में, एक मैन कैरेक्टर, ऐसा वाला कोई कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि VIP 2 में काजल मैम जो रोल निभाई थी, वैसा भी हो सकता है, मतलब इस तरह का रोल हो सकता है करीना कपूर जी का, ठीक है, लेकिन वो हीरोइन नहीं है मूवी में, कोई और हो सकती है। अभी तक स्पिरिट मूवी की सच बोले तो कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है भाई, मैं नहीं भूला हूँ, जो भी अपडेट आ रहा है मैं आपको देता जा रहा हूँ, बस नहीं आ रहा है तो कैसे दें। हालाँकि अभी प्रभास सर की अभी इतने सारे लाइन अप हैं, इतने सारे मूवीज़ हैं कि उसका पहला ये हो जाए, मतलब इसका पहला रिलीज़ वगैरह हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद शायद मुझे लग ही रहा है कि 2023 में बहुत सारे अपडेट आने वाली हैं, बहुत सारे टीज़र हमें देखने को मिलने वाली है और मूवी भी देखने को मिलने वाली है। तो 2023 एक बहुत बड़ी फिल्मी ईयर है मेरे भाई, नॉट ओनली प्रभास सर, बाकी सारे हीरोज़ के लिए भी, ठीक है, ओके। तो स्टे ट्यून, जब भी आता है स्पिरिट का कोई भी रिजल्ट, कोई भी अपडेट, कोई भी चीज़ आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बस जुड़े रहिए अपने कमल भाई के साथ, आपको ज़रूर अपडेट मिलता रहेगा।